हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं ट्वेल्थ में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी के टॉप 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश को जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं, और इस बार भी 2025 में ये पद्यांश पूछे जाएंगे। अब चूंकि पद्यांश जो है वो आपके हिंदी के पेपर में 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर तो हम ऐसे मिस नहीं कर सकते। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपका 10 नंबर हिंदी में कंप्लीट करा दिया जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th हिंदी के 3 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश को, और इसको सॉल्व करना भी हम सीखेंगे। तो अगर जा रहे हो इस बार 2025 में हिंदी का पेपर देने, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बस इन 3 गद्यांश को आपको मेनली पढ़ना है। देखो, पद्यांश और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये 3 जो मैं लेकर आया हूं सबसे स्पेशल पद्यांश हैं। इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा, ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, जैसा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और अब की बार बोर्ड एग्जाम में माहौल बदल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम एक एक करके 3 सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पद्यांश जो मैंने यहां पे लिया है, कोई पहचान सकता है ये किस चैप्टर का पद्यांश है? शायद आप में सबको पता हो, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वाला जो हमारा पद्यांश है, ये हमारे हिंदी के पद्य के फर्स्ट चैप्टर पवन दूतिका का पद्यांश है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ये ट्रेंडिंग में है भैया, ये पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। 3 पद्यांश में बताऊंगा 3 अलग अलग चैप्टर के। पहले इसको हम लोग खूब प्यार से पढ़ते हैं। देखो क्या है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आई। मतलब यहां पे हो क्या रहा है, राधा जी जो है पवन से बात कर रही हैं, पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजना चाह रही हैं। तो वो कुछ चीजें बताती हैं कि अगर ये नजर आए तो आपको क्या करना है। पवन का मतलब वायु से, ठीक है, राधा जी बात कर रही हैं, वो क्या कह रही हैं देखो। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी कि वो पवन से कहती हैं कि जब आप श्री कृष्ण जी के पास जाना, तो अगर लज्जाशीला, कोई लज्जाशील, ठीक है, पथिक महिला, पथिक का मतलब क्या होता है, पथिक का मतलब होता है यात्री या मुसाफिर, ठीक है, महिला, कोई महिला जो कहीं दृष्टि आए, अगर तुम्हें कहीं दिखाई देती है, मतलब कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा जो है वो पवन दूतिका से कहती हैं, उनको समझाती हैं कि हे पवन, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कि यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, होने देना तो ना होने देना विकृत वसना। विकृत का मतलब होता है अस्त व्यस्त करना, वसन का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, यानी कि वस्त्र को अस्त व्यस्त करना, ना तू सुंदरी को, यानी कि उस सुंदरी के। तो वो कहती है कि तू उसके वस्त्र को मत उड़ाना, तुम इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं, क्योंकि वो पवन से बात कर रही है, पवन को दूत बनाकर भेज रहे हैं, तो पवन है वायु। अब कोई लज्जाशील महिला है, लाजवंती महिला है, तो वायु अगर बहुत तेजी से चलेगा तो हो सकता है उसके वस्त्र जो है वो इधर उधर हो जाए, तो वही ये कहती है ऐसा मत करना। आगे देखो, ध्यान से समझना, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा। तो जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, जो थोड़ी भी, अगर थोड़ी सी भी श्रमित, वो थकी हुई हो, तो वो गोद ले, तो उसे अपनी गोद में ले लेना और श्रांति खोना, श्रांति का मतलब होता है थकान, और इसकी थकान को मिटा देना। फिर वो कहती हैं कि अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तुमको, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। होठों की यो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और वो कहती हैं होठों की, उसके होठों की और कमल मुख की, मतलब कमल सदृश मुख की म्लानताएं, म्लानताएं का मतलब होता है जो मलिनता होती है उसको मिटा देना, यानी कि साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। मतलब इनका कहना है कि सबके साथ तुम परोपकार का व्यवहार करते हुए जाना, ना किसी के वस्त्र को उड़ाना, और कोई थकी हुई महिला दिखाई दे, कोई श्रमित महिला दिखाई दे, तो उसको थोड़ी सी थकान हो अगर उसको, तो थोड़ा आनंद देना, ठीक है। आगे देखें, फिर वो कहती है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता,
क्लांता का मतलब भी वही होता है, थकी हुई, ठीक है। कृषक ललना, किसान की स्त्री, कृषक ललना का मतलब किसान की स्त्री, खेत में जो दिखावे अगर वो तुम्हें खेत में दिखाई देती है। फिर राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुझे मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस उनकी, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को यानी कि थकावट को मिटाना, मिटा देना। तो वो कहती है तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। मतलब देखो अगर कोई काम कर रहा है धूप में और ज्यादा धूप है, अगर सोचो हवा चल जाए थोड़ी अच्छी सी तो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो वही चीज कह रही हैं राधा जी। फिर देखो क्या कहती हैं, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जाता कोई जलद, अगर कोई जलद, जलद का मतलब होता है बादल, यदि हो अगर वो जा रहा हो व्योम में यानी कि आकाश में तो उसे लाना। फिर वो कहती हैं कि साथ ही आकाश में बादल दिखाई देने पर उसे उसके पास लेकर आना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसकी छाया द्वारा सुखित करना उसे आनंदित करना, सुखित कर देना तप्त भूतांगना को। भूतांगना का मतलब होता है स्त्री, स्त्री को, ठीक है। तो वो कहती है कि उस बादल को लेकर आना और उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना या उसे आराम पहुंचा देना। देखो अगर आप मीनिंग समझ गए ना तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे दोगे, क्योंकि भैया जो पद्यांश है वो पूरे के पूरे कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। तो वही आज हम कंप्लीट कर रहे हैं भैया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नीचे पढ़ो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप संदर्भ भी लिख सकते हैं। देखो इस पद्यांश के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। देखो आपको चैप्टर तो आपको पहचानना ही होगा, ठीक है। और ये हिंदी पद्यांश है, गद्यांश नहीं है कि आपको उसी गद्य में बस आंसर लिखा लिखा मिल जाएगा आप लिख देंगे। ये पद्यांश है, गद्यांश पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहां से लेकर यहां तक का अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। अब जो मैंने अभी बताया है वही तो लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने हिंदी मीनिंग बताया। तीसरा, देखो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर कोई तुम्हें थकी हुई स्त्री दिखाई दे उसकी थकावट को मिटा देना, कोई किसान की स्त्री दिखाई दे उसको शीतलता प्रदान करना, तो सबके साथ वो परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। चौथा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो भैया मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा। तो लिख दो, राधा ने पवन दूतिका को थकित स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है, बादल के द्वारा। अगर मीनिंग आपको पता है ना, क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दोगे, और ये जो दो दो नंबर का आता है ना, दो 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 दो, इन सबको आप लिख दोगे। पांचवा, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है भैया, इसमें तत्पुरुष समास होगा, ये लो 10 नंबर कंप्लीट। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो हम सीखते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का हम आंसर कैसे देंगे, देखो ध्यान से समझो, ये रहा आपका आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना है, देखो लज्जाशीला डॉट डॉट करके भूतांगना को, पहले तो आपको क्या करना है, देखो इसको हटा देना, पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। अगर आपको हिंदी की कॉपी लिखनी नहीं आती, सर्च कर लो यूट्यूब पर 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, मैंने कई क्लास आपको बताया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद जो लज्जाशीला, इसका फर्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है, इसको डॉट डॉट करके लिख देना, लज्जाशीला डॉट डॉट करके भूतांगना को। इसको लिखने से ये होगा कि आपके एग्जाम में दो पद्यांश दिए रहते हैं, आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो इसको लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, लेकिन हम संदर्भ लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट लिखेंगे और संदर्भ खूब प्यारा सा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास, इनका प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, इससे हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। देखो जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने ब्लैक से लिख दिया है, आपको भी उसको ब्लैक से ही लिखना है। मतलब प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, दो नंबर आपका कंप्लीट। एग्जामिनर कहेगा ले बेटा दो नंबर दे, ऐसे वो देगा, एक नंबर छोड़ो आधा नंबर छोड़ो, वो आधा का आधा भी नहीं काट पाएगा। दूसरा,
रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब देखो यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करना है। लज्जा शीला पथिक महिला दो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को जो थोड़ी भी शर्मित हुआ हो गोदले श्रांति खोना होठों की हो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब इसका हमें मीनिंग लिखना है। चलो वही चीज लिखते हैं जो मैंने बताया था। राधा जी कहती हैं पवन से, हे पवन यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। हे पवन यदि खेत में कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को मिटा देना। ले बेटा दो नंबर ये भी कंप्लीट हो गया, ऐसे एग्जामिनर देगा। मतलब आप लोग चैप्टर के जो पद्यांश है उनको पढ़ लीजिए, उनका हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। हिंदी मीनिंग आएगा आप बहुत आसानी से करेंगे, नहीं आएगा फिर भी ट्रिक है। तीसरा देखो, अभी हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, हमें तीन पद्यांश देखना है। देखो दोस्त तीसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। देखो स्टार्टिंग के तो दो आपको लिखने पड़ेंगे लेकिन बाकी क्वेश्चन इजी रहते हैं, तो लिख दो तीसरा ऐसे, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। लो भैया दो नंबर ये भी कंप्लीट, दो लाइन लिखने से दो नंबर कंप्लीट। तो स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चन है उसमें मेहनत करना है, बाकी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे। पांचवा चौथा देखो, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है, तो राधा ने पवन दूतिका को थकित लिख दीजिएगा, थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है कि बादल को लेकर आना और उस स्त्री के ऊपर छाया करना। दो नंबर इसका भी कंप्लीट। देखो कितना इजी होता जा रहा है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पांचवा, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है भैया, इसमें कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। दो नंबर ये भी कंप्लीट। तो ऐसा मत सोचिए कि पद्यांश सर हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्या करें, पद्यांश के जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको पढ़ लीजिए। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताया, पूरे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने बताया, आप लोग सर्च कर लेना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश था। अब इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे क्या करना होगा, पांचों क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया, 10 नंबर आपका ऐसे का ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में, तो ऐसे लिख देना 10 नंबर कंप्लीट। अभी तो ट्रेलर, अभी हमने फर्स्ट वाला पद्यांश देखा है, अब चलते हैं अपने सेकेंड पद्यांश पर जो हमारे सेकेंड चैप्टर का होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट वाला पद्यांश है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है, और इसके लेखक कौन है मेरे भाई, इसके लेखक हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि कैकेयी जी, कैकेयी का अनुताप का मतलब कैकेयी जी पश्चाताप कर रहे हैं, जो उन्होंने राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था उसलिए वो पश्चाताप कर रहे हैं, तो उसी चैप्टर का ये है। पश्चाताप जब वो करती हैं तो कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और भी हैं तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कहता रहता हूँ अभी ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी, आगे आगे मैं आपको सारे पद्यांश बताऊंगा। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, सौ बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जरा भरसा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सफा चिल्लाई, सौ बार धन्य वो एक लाल की माई। इसमें क्या है ध्यान से देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज जन्म जन्म यानी कि जन्म जन्मांतरों तक सुने सुने जीव, जीव का मतलब होता है आत्मा, यह मेरा मेरा, धिक्कार धिक्कार है उसे उस रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेरा, मतलब महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। मतलब कैकेयी जी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी प्राण मेरी आत्मा ये सुनने के लिए विवश होगी कि धिक्कार है ऐसी रानी को कैकेयी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। देखो सीधा सीधा लिखा है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, जन्म जन्मांतर तक मेरे जीव यही सुनते रहेंगे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा कि उस रानी कैकेयी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने अपने ही पुत्र को वनवास भिजवा दिया, भले ही सगा नहीं तो
नहीं थे। सौ बार धन्य वो एक लाल की माई जिस जननी ने है जना भरत सभाई। फिर होता क्या है, वहां पे जो सभा बैठी है, श्री राम जी हैं और भी कई लोग हैं जो भरत सहित अयोध्यावासी मिलने आए थे राम जी से, वो बैठे हैं और राम जी जानते हैं ये महान पुरुष हैं, वो हम लोगों के आदर्श हैं। तो क्या होता है, उनको उनके अंदर क्षमता है, सहनशीलता की, वो कहते हैं सौ बार धन्य वो एक लाल की माई जिस जननी ने है जना भरत सभाई। मतलब सौ बार धन्य, सौ सौ बार धन्य है वो एक लाल की माई, उस लाल की माई, उस लड़के की माँ जिस जननी ने है जना भरत सभाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर अपने इधर के कोई होते या इस जमाने के कोई होते तो कहते तुमने मुझे 14 वर्ष का बनवास भिजवाया था, चली जाए यहाँ से। और राम जी को देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो माता तो सौ सौ बार धन्य है। उन्होंने कहा कई कई कि इन बातों को सुनकर राम जी और जो वहाँ पे सभापद में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहते हैं भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता सौ बार धन्य है, सौ सौ बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई और प्रभु जी के साथ, श्री राम जी के साथ पूरी सभा पागलों की तरह चिल्लाती है सौ बार धन्य वो एक लाल की माई, वो माँ तो सौ सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। बस यही था। देखो क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, दो नंबर। अब भैया शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम है मैथिली शरणगुप्त। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करो, इसका व्याख्या करना है निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तीसरा कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, अरे वही तो कहती है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए, स्वार्थी। ठीक है। तीसरा, चौथा कैकेयी के प्राश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं, तो लिख दो कैकेयी के प्राश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो सौ सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, तो सभा भी चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सौ सौ बार धन्य है, वही लिख देना है क्या है इसमें। तो ऐसे हम लिखेंगे निज जन्म फिर डॉट डॉट करके लाल की माई, जैसे उसमें किया था इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, मैथिली शरण गुप्त जी का एक साकेत महाकाव्य है, बहुत फेमस है। इससे हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। लो बेटा दो नंबर, लगभग वैसे ही लिखना है, संदर्भ आपको लगभग लगभग वैसे ही लिखना होता है, बस कवि का नाम और पाठ का नाम आपको चेंज कर देना होता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड वन पे हम चलेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन पहले देख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या करो निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो ऐसे लिखना है आपको, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। भैया दो नंबर ऐसे इसका भी मिलेगा, कुछ करना नहीं है, दो लाइन का व्याख्या करना था, हमने आपको बता दिया है। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, तो देखो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बस ऐसे लिख दो भैया दो नंबर इसका भी, अगर आपको मीनिंग पता है ये सब बिल्कुल हलवा रहेगा, सिर्फ खाना है निकाल के चिम्मच से। चलो आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कैकेयी के प्राश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं, तो मैंने खुद ही बताया था, कैकेयी के प्राश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो सौ सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। ये राम जी कहते हैं कैकेयी जी से, दो नंबर इसका भी कंप्लीट। ठीक है, वो कह रहे हैं हम दो नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सौ बार धन्य है, दो नंबर इसका। तो भैया ले बेटा दस में दस ले, ऐसे एग्जामिनर आपको देगा अगर ऐसे लिख कराओगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, सभी चीजों को मैं बताऊंगा, गद्यांश में बता चुका हूं, पद्यांश में बता रहा हूं, जीवन परिचय भी मैं बता चुका हूं, तो आखिर क्या बचा है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला पद्यांश अब हम देखेंगे भैया, ये पद्यांश मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पद्यांश में कुछ तो खास है। ये हमारे किस चैप्टर से लिया गया है पहले इसको समझो। ये लिया गया है श्रद्धा मनु से। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, काफी फेमस कवि हैं, आपको भी पता होगा। देखो होता क्या है यहाँ पे, श्रद्धा और मनु की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। श्रद्धा मनु चैप्टर का ही नाम है। तो होता क्या है कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं, वो कहती हैं कौन तुम कौन हो? संसृत जलनिध, संसृत का मतलब होता है संसार रूपी, जलनिध का मतलब होता है सागर। तो संसार रूपी सागर, तीर का मतलब होता है किनारे, ठीक है, के किनारे, तरंगों से, तरंगों के द्वारा फेंकी फेंकी हुई मड़ी, मड़ी के समान एक एक। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार तुम कौन हो? ठीक है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो? मतलब वो पूछती है तुम हो कौन, कौन हो, कौन तुम, कौन हो तुम? संस्कृत जलनिध तीर मतलब संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मड़ी एक, तरंगों के द्वारा फेंकी गई मड़ी के समान तुम कौन हो? कुछ ऐसे हम इजी वे में समझेंगे, पूरे किताबी भाषा में नहीं। कर रहे हो निर्जन, निर्जन का मतलब क्या होता है? सुनसान, जो सुनसान जगह होता है ना, निर्जन का चुपचाप चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा मतलब अपनी आभा, प्रभा का मतलब होता है जो कांति है उसको प्रभा बोलते हैं, कांति, ठीक है, की धारा से अभिषेक, की धारा से तुम अभिषेक या स्नान, अभिषेक का मतलब स्नान भी होता है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी कांति से, अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मड़ी उसके निर्जन तट को आलोकित करती है, तुम कौन हो? ठीक है, आगे देखो। फिर वो कहती है मधुर विश्रांत और एकांत, मतलब मधुर विश्रांत, विश्रांत का मतलब होता है थका हुआ, मधुर का मतलब तो होता है मधुर, ठीक है। तो श्रद्धा कहती हैं, उनसे प्रश्न करती हैं कि तुम्हें, तुम में जो है मधुर, मधुरता, विश्रांत, विश्रांत का मतलब थकावट, और एकांत, और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम जगत के सुलझे हुए रहस्य की तरह दिख रहे हो, ठीक है। मतलब वो कहती है तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो, तुम कौन हो? एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर वो कहती है एक करुणामय सुंदर मौन, ठीक है, मतलब वो कहती हैं तुम्हारा सुंदर और मौन रूप, ठीक है, करुणा में मतलब करुणा, एक करुणा में मतलब एक करुणा से परिपूर्ण सुंदर मौन तुम्हारा सुंदर और मौन रूप है, ठीक है। मतलब वो कहती हैं तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया है, तुम कौन हो भाई? ठीक है, तो श्रद्धा जी मनु से प्रश्न करते हैं। अब इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहला जो मैं बता सकता था मैंने आपको फारा बता दिया। सबसे फर्स्ट उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, मतलब इस पद्यांश के शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना है। भैया शीर्षक है श्रद्धा मनु, कवि है हमारा जयशंकर प्रसाद जी, हैं बहुत फेमस कवि हैं। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक, इसकी व्याख्या करना। तीसरा उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो मैंने बताया है जो ऊपर पंक्तियां हैं इसमें श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है, ठीक है, तो लिख दो सिंपल सा, दो दो नंबर कंप्लीट होगा। चौथा कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, तो मनु जो है एक भव्य पुरुष है, तो मनु अपनी कांति से वीराने को वीराने से शोभायमान कर रहा है। श्रद्धा जी कहती नहीं है कि इस कांति को, इस सुनसान जगह को अपनी कांति से शोभायमान करने वाले तुम कौन हो? पांचवा प्रभा की धारा से अभिषेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भैया इसमें रूपक अलंकार होगा, किसमें? क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। तो देखो सबसे पहले वही प्रोसेस, कौन तुम डॉट डॉट करके का आलस्य, ऐसे लिखेंगे कौन तुम डॉट डॉट करके का आलस्य। सबसे पहले उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संदर्भ सबसे पहले, ठीक है, लिखेंगे, ध्यान से देखना। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है।
मतलब ये जो पद्यांश है ना, ये श्री जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य से, इनकी एक बहुत फेमस महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, उसी से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। ऐसे लिखो, दो नंबर ले जाओ। कोई भी इस चैप्टर का आए तो आपको ऐसे ही संदर्भ लिखना है, श्रद्धा मनु का अगर आता है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो दो लाइनें थी मैंने आपको बताया था, कौन तुम संस्कृत जलनिध तीर, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, इसकी व्याख्या करनी है। थोड़ा हम एक्स्ट्रा करेंगे, थोड़ा व्याख्या का मतलब थोड़ा बड़ा लिखूं। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तटों पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मड़ी के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मड़ी को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। ठीक है, बस हो गया, दो नंबर ऐसे एग्जामिनर देगा भाई। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखो, काम खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं, थोड़ा एक्सचेंज करके भी आप लिख सकते हो। तीसरा, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सा है, उक्त पंक्तियों में श्रद्धा जो है मनु का परिचय पूछ रही है, सिंपल सा लिख दो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चौथा देखो, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, तो मनु, भव्य पुरुष मनु जो है वो अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं, मनु हैं। ठीक है, दो नंबर ये भी कंप्लीट। पांचवा, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, दो नंबर ये भी। इसका भी भैया 10 में 10 ऐसे ले जाओगे और लेकर आओगे, हमें बताओगे सर मैं 10 में 10 लेकर आया। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। 12th हिंदी के टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को आज हमने पढ़ लिया फाइनली। गद्यांश पद्यांश सब कंप्लीट है, और भी सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही क्लास अगर आपको चाहिए कमेंट में बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट पर क्लास चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।